हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है जो है क्या, प्राची, PRACHI। तो प्राची के अगर हम टुकड़े तोड़ने बैठे हैं तो कहीं ना कहीं टोटल नंबर ऑफ वेज आप सभी जानते होंगे कितने बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज, जो कि हमने तरीका क्या सीखा था, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने का, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने का फॉर्मूला था 6 फैक्टोरियल, है ना, कि अगर 6 के 6 वेज निकालेंगे तो 6 फैक्टोरियल आंसर आएगा, क्योंकि 6 अल्फाबेट्स हैं। 6 अल्फाबेट को अरेंज करने बैठो तो 720 आंसर आएगा। पर बात यह है, जो क्वेश्चन अब पूछा गया है उसे ध्यान से समझना। एज पर डिक्शनरी प्राची कौन सी रैंक पे आएगी, मतलब अगर मैं 720 अल्फाबेट्स अल्फाबेटिकली अल्फाबेटिकली मतलब अगर एज पर डिक्शनरी इनको अरेंज करता हूँ तो आप खुद सोचो। चलो सबसे पहला वर्ड क्या बनेगा, एज पर डिक्शनरी सबसे पहला वर्ड क्या बनेगा प्राची जी, अगर मैं इन सारे अल्फाबेट्स को अरेंज करता हूँ। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कोई भी वर्ड ढूंढते हैं तो डिक्शनरी में कोई भी वर्ड बहुत जल्दी कैसे मिल जाता है, रीजन दो। जैसे सपोज अगर मुझे उसमें स्टेशनरी वर्ड ढूंढना है तो स्टेशनरी में कैसे ढूंढूंगा, सबसे पहले पेजेस को जल्दी जल्दी कैसे पलटते हैं। कभी डिक्शनरी में वर्ड ढूंढे हैं, जब यस वर्ड सर, ढूंढते हैं तो डिक्शनरी में स्टेशनरी वर्ड बहुत जल्दी कैसे मिल जाएगा, ये बताओ। चलो स्टेशनरी वर्ड जो है वो एस पर है, तुम पहले एस लेंगे क्या? है ना, पहले एस देखेंगे कहाँ है, फिर टी वाली सीरीज देखेंगे कहाँ है, फिर ए वाली सीरीज देखेंगे, यस इस सर, तरीके से स्टेशनरी वर्ड पूरा होगा ना। ऐसे ही अगर सपोज यस सर, मुझे एस पर डिक्शनरी अगर मैं 6 के 6 अल्फाबेट्स को अरेंज कर देता हूँ तो 720 वर्ड्स बनेंगे, मतलब 720 रैंक बनेंगी, है ना, ये क्लियर है पहले। अब 720 में कहीं ना कहीं प्राची वर्ड भी तो बना होगा ना। तो यस मेरा सर, क्वेश्चन अब ये है यस कि सर, प्राची कौन से नंबर पे आएगी 720 में। मेरा क्वेश्चन क्लियर है, 720 में कहीं ना कहीं प्राची किसी ना किसी रैंक को तो लेके बैठी होगी ना। तो हम ये तक बता सकते हैं कि प्राची कौन से नंबर पे आएगी, या आउट ऑफ सिलेबस कॉन्सेप्ट है ये, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पर एंट्रेंस एग्जाम्स में और आने वाले क्वेश्चन, मतलब कभी भी पीएनसी की जब भी बात होती है तो फाइंड द रैंक, हाँ मतलब कौन सी रैंक पे वर्ड है ये बताओ, ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एज पर डिक्शनरी। चलो सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा आता, मुझे ये बताओ, अल्फाबेटिकली लगाओ, सबसे पहला अल्फाबेट क्या आता प्राची में, सबसे पहले कौन सा सी, अल्फा, ए, फिर एच, एच, ए आई, बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई जे के एल एम एन ओ पी 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 आर, क्यू आर पी रट आर, डन, ये बनता सबसे पहला वर्ड, ये बनता। फिर अगला क्या बनता, आर पी चेंज होगा, फिर आई पी आर चेंज होंगे, ये आपस में शफल होंगे, ये शफल होंगे, ये शफल होंगे, तब जाके ए खत्म होगा, है ना। तो देखो करने का तरीका समझना, आप सभी बहुत आराम से समझना मैं कैसे कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मेरी वॉइस क्लियर है सभी को, बोलो हाँ, मेरी वॉइस यस सर, बहुत क्लियर आ रही है ना यस वॉइस। चलिए तो मेरे हाथों के इशारों को देखते चलना एक बार, ठीक है। सबसे पहले मैंने बात करी प्राची वर्ड कौन सी रैंक पे आएगा, मुझे ये बताना है। पर पहले बात आ रही है, सबसे पहले स्टार्ट जब मैं करूंगा एज पर डिक्शनरी तो स्टार्ट विद किससे करूंगा, ए से करूंगा ना। पर क्या मेरे को ए यस से सर, आगे, ए से आगे जितने भी अल्फाबेट्स हैं क्या मुझे इससे मतलब है, या ए सीरीज से जो स्टार्ट हुए हुए जितने भी अल्फाबेट्स होंगे या जितने भी वर्ड्स होंगे मुझे उससे कोई मतलब होगा, ये बताओ। नो सर, नहीं, तो यानी कि नो ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर हैं पहले उन्हें पता करा कितने वेज होंगे, तो वो होगा अगर मैं ए को स्टार्ट विद ए करता हूँ तो 5 अल्फाबेट्स ऐसे होंगे जो शफल होंगे आपस में, तो यानी क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, यानी 120 नंबर तक तो मुझे ए सीरीज मिलेगी, ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। फिर यस सर, 121वां नंबर कौन सी रैंक से स्टार्ट होगा ये बताओ। 121वां नंबर स्टार्ट सी, विद सी, सी से स्टार्ट होगा। अब सी से जब मैं फिक्स करूंगा तो सी को फिक्स करने पे फिर से 5 अल्फाबेट शफल हो सकते हैं, क्या मुझे सी सीरीज चाहिए, क्या मुझे सी सीरीज में प्राची मिलेगा, बोलो क्या मुझे सी सीरीज में प्राची नो सर, मिलेगा। नहीं, तो यानी नो सर, सी सीरीज भी मेरे लिए बेकार है, तो यानी 5 फैक्टोरियल इसके लिए भी लिखा, तो 120 वेज, पहले ये क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो यस सर, हाँ। यस फिर सर, बात दोबारा से बात करते हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि स्टार्ट विद सी हो, फिर इसके बाद स्टार्ट विद किससे कर सकता है, अगर नोटिस किया जाए
स्टार्ट विद किससे कर सकते हैं देखा रहे तो? एच एच एच, क्योंकि अब एच से सीरीज शुरू होगी है ना। जब एच से सीरीज शुरू करूंगा तो अब आप खुद बताओ, जो मैं एच को फिक्स कर दूंगा, एच को फिक्स कर दूंगा, तो एच से स्टार्ट होने वाले जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? एच से स्टार्ट होने पे भी सेम सीरीज का एच सीरीज मुझे चाहिए या एच सीरीज मुझे चाहिए, बताओ बताओ। नो नो सर, सर नो। नहीं चाहिए, तो यानी उसके लिए भी 5 फैक्टोरियल 120, मतलब 360 नंबर मेरे अभी तक यस बेकार हो चुके हैं। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। यस सर, अब यस बात आती सर। है फिर स्टार्ट किससे होगा नंबर? आई सर आई 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 से, और आई को भी अगर मैं फिक्स करता हूँ तो 5 फैक्टोरियल होगा, 500 के 500 फैक्टोरियल को अरेंज करूंगा तो 120 नंबर होंगे, बोलो हाँ यस सर। बोलो हाँ। फिर इसके बाद अगर बात करी जाए नेक्स्ट, फिर स्टार्ट किससे होगा? स्टार्ट विद, बोलो बोलो। सर पी 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 पी, क्या मुझे पी चाहिए? पी वाली सीरीज चाहिए। तो यस सर, यस अब पी वाली सर, सीरीज को पकड़ के रखना, अगर गलती से भी आपने पी सीरीज को क्या करा, पी सीरीज को अगर पकड़ के नहीं रखा तो समझ जाना कि वो चीज डिस्टर्ब कर जाएगी, क्लियर? तो पी सीरीज को तो मैं पकड़े रखूंगा। अब पी सीरीज को पकड़ने के बाद अब आप एक चीज बताओ, पी से जब मैं एज पर डिक्शनरी देखूंगा तो कौन सा अल्फाबेट पहले दिखेगा आपको? पी के बाद एज पर डिक्शनरी कौन सा अल्फाबेट मिलेगा? ए ए। ये क्लियर है, बोलो हाँ। क्या मुझे पी ए चाहिए? नो सर, तो मैंने पी ए नो को फिक्स सर। करा, पी ए को फिक्स करा, और पी ए को फिक्स करने के बाद कितने अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो शफल करेंगे पी ए वाली सीरीज में? 4 अल्फाबेट, तो यानी 4 फैक्टोरियल, तो आंसर कितना रहेगा? 24 नंबर। ये क्लियर है, बोलो हाँ। फिर वेट, अब मैं पी सीरीज को नहीं छोड़ूंगा, पी के बाद कौन सा ऐसा अल्फाबेट होगा जो शुरू होगा? पी सी वाला, पी सी को फिक्स करा, तो पी सी को फिक्स करके 4 फैक्टोरियल आएगा, बोलो हाँ। यस सर, अब इसके बाद 24। बोलो हाँ अगेन, स्टार्ट विद, अब किससे नंबर शुरू होगा पी सी के बाद? एच पी क्या मुझे एच चाहिए? नो सर, नहीं चाहिए, तो फोर नो सर, फैक्टोरियल यानी 24 नंबर ये भी पूरे शफल मारे। फिर स्टार्ट विद किससे होगा? पी पी आई 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 भी चाहिए क्या? फोर नो सर, फैक्टोरियल यानी नो चौबीस सर। में स्टार्ट विद, फिर से एक और लो, पी के बाद और कौन आया? अब पी आर आया, क्या आर चाहिए मुझे? यस यस सर, यस आर को सर, पकड़ लिया, आर को पकड़ लिया, अब इसको नहीं छोड़ूंगा, पी आर फिक्स कर चुका हूं मैं। पी आर को फिक्स करने के बाद एज पर डिक्शनरी अब कौन आएगा? ए ए आएगा। क्या मुझे ए भी चाहिए? यस सर, इसे भी दबोच लिया। अब इसके बाद कौन आता एज पर डिक्शनरी? पी आ सी चुका, सी ए आ चुका और आर आ चुका है ना, तो कौन आता एज पर डिक्शनरी पी सी आर? क्या मुझे सी चाहिए? यस ये भी चाहिए। फिर एज पर डिक्शनरी अब कौन आता? एच एच। एच, वे सीधा प्राची बन के मानेंगे तो, और ये आई, तो यानी कि वन, तो वन बेस को भी काउंट करेंगे। है प्राची ने तो लास्ट में गड़बड़ कर दी, सीधा बन गई प्राची, बताओ। चलो कोई और एग्जांपल लेके अभी फिर से समझेंगे, इसलिए दूसरा नंबर डला हुआ है, ठीक है? तो अक्षय और जो भी अभी आए हैं ताजे ताजे वो भी समझने की कोशिश करना। 120, 120, 240, 480 हो गया, 480 और ये 48, 48 कितने हुए? 96। 480 प्लस 48, बोलो वही कितने हुए? 480 है ना, और 24, 24, 48, 96 और 1, 7, 9 और 8, 17, 9 और 8, 17, 1। तो पता है प्राची जी कौन से नंबर पे आएंगी 720 में? 577वें नंबर पे बनेंगी प्राची, क्लियर है, बोलो हाँ। अब सुनो, ये वर्ड अभी आपको थोड़ा सा कम समझ आया होगा क्योंकि प्राची जी लास्ट में एकदम से बन गई है ना। सुनो अब सभी ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक वर्ड लेता हूँ, सपोज मदर, MOTHER, मदर, रेडी? बोलो हाँ, बोलो हाँ। मदर वर्ड, एज पर डिक्शनरी अगर मैं मदर वर्ड को अरेंज करने बैठता हूं तो मदर कौन सी रैंक पे आएगा ये वर्ड? तो करें स्टार्ट, तो चलो एक चीज वैसे बता देते हैं, टोटल नंबर ऑफ बेस क्या आएंगे? टोटल नंबर ऑफ बेस 6 फैक्टोरियल 720। 720, बोलो हाँ।
अब सभी ध्यान देना, मैं इस क्वेश्चन को कराने के बाद आपसे करवाऊंगा, तो मेरे साथ साथ अभी के अभी आप सभी क्वेश्चन करेंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं भी करा दूंगा। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो भाई। चलो, तो जैसे कि एज पर डिक्शनरी मदर वर्ड, अक्षय मदर वर्ड में सबसे पहले एज पर डिक्शनरी कौन सा आएगा? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा आना चाहिए बताओ? ई। ई आना चाहिए। फिर कौन आएगा? एच। एच आएगा, ठीक है। फिर कौन आएगा? एम। ओ। काला सा लग रहा हूँ अब, ठीक है। ओ पक्का, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एम ओ नर एम एल एम ओ। गड़बड़ मत करो यार, एक गड़बड़ हो गई तो पड़ जाएगा। एच एम ई एच एम ओ आर टी आर टी पक्का? यस। अब सुनो, अब सबसे इसका मतलब मदर वर्ड में तीसरे अल्फाबेट से स्टार्ट हो जाएगा, पर सबसे पहले ई वाली सीरीज तो मिलेगी ना इस पर डिक्शनरी? बोलो हाँ। तो सबसे पहले क्या करा मैंने? स्टार्ट विद ई करा। ई मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने पांचों अल्फाबेट जो आगे के थे उनको शफल मारा, तो आंसर कितना आ गया? 120। पहले क्लियर है? बोलो हाँ। फिर मुझे पता है कि ई वाली सीरीज को जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो ई के बाद कौन सी सीरीज मिलेगी एज पर डिक्शनरी? एच। जब मैं एच को शफल मारूंगा तो एच को शफल मारने के बाद एच वाली सीरीज को जैसे फिक्स करा तो कौन सा अल्फाबेट आपको दिखेगा तुरंत? सॉरी, एच अल्फाबेट को फिक्स करा तो 5 फैक्टोरियल फिर भी मुझे नहीं चाहिए। अब कौन सी सीरीज से स्टार्ट होगा सीरीज? अब कौन सी से स्टार्ट होगा? स्टार्ट विद एम होगा ना? क्या एम मुझे चाहिए? यस सर। अगर एम चाहिए तो एम को फिक्स करने के बाद एज पर डिक्शनरी एम के आगे कौन दिखता, सोच के बोलना। एम के आगे कौन दिखेगा जस्ट आगे एज पर डिक्शनरी? फिर से इन्हीं छह अल्फाबेट्स का यूज हो रहा है। ई। तो क्या एम ई मुझे चाहिए? नो सर। जो चीज नहीं चाहिए होती है पहले उसे फिक्स करते हैं और फिर शफल मार देते हैं। क्या कर देते हैं? शफल मार देते हैं। तो शफल मारने का तरीका क्या होगा? चार अल्फाबेट्स बचते हैं, चार फैक्टोरियल बनाया, 24 पेज। ये क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। फिर अगर मेरे को अब एक चीज बताओ, स्टार्ट विद एम ई वाली सीरीज बेकार हुई है, ई के बाद कौन आता एज पर डिक्शनरी? एम एच। एच आता, तो एच भी चाहिए क्या? नो सर। नो सर, नहीं चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जब एम ई नहीं, एम एच नहीं चाहिए तो 4 फैक्टोरियल आएगा, 24 पेज हो गए। बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर। फिर इसके बाद एम के बाद और कौन आएगा यहाँ पे एज पर डिक्शनरी? ओ। तो क्या आएगा? स्टार्ट विद, क्या एम ओ चाहिए? यस सर। एम ओ चाहिए, एम ओ चाहिए, सोच के बोलो। एम ओ चाहिए, चाहिए, ठीक है। अगर एम ओ हमें चाहिए, ठीक है, तो सिचुएशन ये आती है, एम ओ के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सोच के बोलो। एम ओ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा एज पर डिक्शनरी? इसलिए मैं एम ओ की सीरीज को बेकार नहीं करा, एम ओ को पकड़ लिया मैंने। ई। ई आएगा, क्या एम ओ ई चाहिए? नो सर। नहीं, नो सर। तीन तीन फैक्टोरियल अलग करे यानी 6 बेस। बोलो हाँ। यस सर। अब वेट, स्टार्ट विद एम ओ की सीरीज को पकड़े रखा, ई के बाद कौन आएगा? ई के बाद कौन आएगा ये बताओ? एच। क्या ये मुझे चाहिए? नो सर। नहीं चाहिए। तो 3 फैक्टोरियल यानी 6 वेज। अब स्टार्ट विद किससे करूंगा? एम ओ। एच के बाद कौन आएगा? एम आ चुका, ओ आ चुका, अब कौन आएगा? आर। क्या मुझे ये चाहिए? नो सर। 3 फैक्टोरियल यानी 6 वेज। ये क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब वेट, स्टार्ट विद, अगर मैं आपसे बात करूं, स्टार्ट विद एम ओ, अब कौन आएगा? टी। क्या ये मुझे चाहिए? यस सर।
नहीं चाहिए चाहिए एम ओ टी चाहिए चाहिए, तो मैंने सही पकड़ लिया इस बार, शफल नहीं मारा मैंने। अगर मैंने शफल नहीं मारा तो एम ओ टी के बाद अब कौन आएगा? ई ई तो क्या ये मुझे चाहिए? नो सर नहीं, नो सर। तो दोनों को शफल मारो, टू फैक्टोरियल यानी दो वेज। अब स्टार्ट विद एम ओ टी, ई के बाद कौन आएगा? एच। क्या ये मुझे चाहिए? ये मुझे चाहिए, यस सर। इसे पकड़ लिया, अब कौन आएगा? ई। क्या ये मुझे चाहिए? यस सर। अब कौन आएगा? यस सर। हाँ, तो यानी ये खुद काउंट हो जाएगा, क्लियर है? वन बेस वन भी लिखते हैं, मदर वर्ड जो आया है इसको भी कंप्लीट काउंट करेंगे। तो कितना आया? 24 और 6 30 30 और 30 60 300 303 309 309 आंसर आया मेरा, क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलिए तो वेट, अब आप सभी दो क्वेश्चन करिए, आर्यन ने भी निकाल दिया साथ साथ आंसर। चलिए जैसे कि अब आप बताएंगे, एक तो फादर वर्ड कौन सी रैंक पे आएगा और एक आप बताएंगे जेनिथ वर्ड। जो भी आंसर आए मुझे मेरे नंबर पे आंसर मैसेज कीजिए 9213271580 व्हाट्सएप करके, मुझे फटाफट बताइए क्या आंसर आया है। और मैसेजेस में भी बताते चलना, फादर और जेनिथ इन दोनों की क्या रैंक आ रही है, कौन सी रैंक पे ये वर्ड बनेंगे, बताओ। चलो जल्दी से जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आया है। फादर का 261 और जेनिथ का आया 616। आया समझ? बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा अभी, ठीक है? नया कॉन्सेप्ट करेंगे पर ये वाला समझ आ गया कॉन्सेप्ट। बोलो हाँ, यस सर। चलिए तो टेक केयर, बाय, राधे राधे। फिर से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा एक बार और।